बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं मनीष सिसोदिया। रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया बोले, तानाशाही से जेल में डाला, संविधान ने मुझे बचाया। जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ नजर आई, भीड़। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी दोनों केस में जमानत दी है। शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया शुक्रवार शाम जेल से बाहर आ गए। आप कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में जेल के बाहर जमा होकर सिसोदिया के रिहा होने का जश्न मनाया। रिहाई के वक्त मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी नजर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि वो बाबा साहेब के संविधान की बदौलत जेल से बाहर आए हैं और इस आधार पर केजरीवाल भी जल्द ही छूटेंगे। जिन्होंने इस कानूनी लड़ाई को आज संविधान की ताकत से अंजाम तक पहुंचाया और जेल के मुझे बाहर निकाला, मैं आज सहेद से जेल से बाहर करना लग रहा हूं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके लिए भी भगवान से दुआ करता हूं। तो मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, जेल से रिहाई के बाद बोले हैं, तानाशाही से जेल में डाला लेकिन संविधान ने बचाया। आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन इसे माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज के संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, एक बड़ा दिन आम आदमी पार्टी के लिए, सिसोदिया ने आते ही संविधान की न सिर्फ दुहाई दी बल्कि तानाशाही का भी जिक्र कर डाला। बिल्कुल सौरभ, देखिए आज आम आदमी पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है, और बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज मनीष सिसोदिया की जमानत हो गई, यानी कि 17 महीने, यानी कि एक लंबा सफर जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर उन्होंने बिताया है। शराब घोटाले के उनके ऊपर आरोप लगे थे, लेकिन ऐसे में अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं। और मनीष सिसोदिया ने बाहर आते ही साफ तौर पर बीजेपी को घेरा, यानी कि पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने कहा है कि तानाशाही से सरकार नहीं चलती है और एजेंसियों का दुरुपयोग करके वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, आम आदमी के नेताओं को तोड़ना चाहते हैं। और जैसे पहले भी आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है बीजेपी पर कि जो विधायक हो या मंत्री हो वो अगर नहीं टूटते तो उनके ऊपर कोई ना कोई ईडी या फिर सीबीआई छोड़ दी जाती है और किसी न किसी केस में फंसा दिया जाता है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के अंदर खुशी की लहर है और विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में मनीष सिसोदिया दिल्ली के अंदर एक बड़ा चेहरा रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को राहत मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब उनको विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया का पासपोर्ट, यानी कि मनीष सिसोदिया देश से बाहर नहीं जा सकते, कुछ कंडीशन जो है वो लगाई गई हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं कि वो जेल से बाहर आने के बाद ईडी से मिलेंगे जाकर के मंडे को, और इसके साथ साथ वो उनका पासपोर्ट जो है वो भी रख लिया जाएगा, यानी कि वो देश से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद से ही जश्न का जो माहौल है वो कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, उनके जो बड़े नेता है उनके अंदर देखने को मिल रहा है, और इस समय आतिशबाजी जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब जैसे ही मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं तो आम आदमी पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। सौरभ, जितेंद्र, आगे का कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा? मनीष सिसोदिया कहां जाएंगे और जो शर्तें हैं जमानत की उनके अधीन क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को कितना फायदा कितनी मजबूती मिलती नजर आएगी, क्या कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम? देखिए बिल्कुल, देखिए अब ये घर से जैसे ही जेल से बाहर आए हैं तो सबसे पहले अपने घर जाएंगे और उसके बाद उनके जो तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनसे मिलेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का और मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि अभी पूरी जीत हमारी नहीं हुई है क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर है। जब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक हम इसको जीत नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, न्याय हुआ है, लेट न्याय हुआ है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि आम आदमी पार्टी वैसे कितना भी खुशी मना रही हो, ये अभी निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, हालांकि जमानत पर बाहर आए हैं, इनको सजा होगी क्योंकि इन्होंने घोटाला किया है, ये सलाखों के पीछे दोबारा जाएंगे, अभी कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, ऐसा जो कहना है वो बीजेपी का कहना है। तो फिलहाल जो खुशी है वो आम आदमी पार्टी के अंदर है, लेकिन विपक्ष जो है वो अभी भी सीधा सीधा आरोप जो है वो लगा रहा है कि इन्होंने शराब घोटाला किया है, सब नई शराब नीति जो बनाई थी उसमें घोटाला हुआ है, विपक्ष का ये कहना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर जश्न का माहौल जो है वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, परिवार जो है जो मिठाइयां हैं वो खिला रहे हैं एक दूसरे को, और फिलहाल आम आदमी पार्टी को अब चुनाव के अंदर इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। सौरभ, बहुत शुक्रिया जीतेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।